नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज झारखंड गिरडी से एक बड़ी खबर। जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जेरुआ डी चचघरा निवासी देवनंदन प्रसाद वर्मा का 15 वर्षीय पुत्र अमित कुमार शनिवार की शाम लापता हो गया। वही आज 4 दिन होने को है, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल कर सामने आई। अमित के लापता हो जाने से परिजन परेशान हैं। जमुआ थाना क्षेत्र में आवेदन देने के बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा को भी आवेदन सौंपकर लापता अमित को ढूंढने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि शनिवार की शाम 4 बजे अमित कुमार कॉफी खरीदने जाने की बात कहकर काला जींस, सफेद कलर की टी शर्ट और लाल रंग की हवाई चप्पल पहनकर द्वार पहरी बाजार के लिए निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। मामले में 4 दिन गुजर जाने के बाद परिजन परेशान हैं और अविलंब अमित के ढूंढने की मांग कर रहे हैं। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। शनिवार को शाम को 5 बजे से घर से करके निकला था कि वो पहली बाजार जा रहा हूँ कॉफ़ी लेने के लिए। उसके बाद से गायब हो गया। उसके मुताबिक बहुत दिन करने के बाद भी उसका कोई सुधार नहीं मिला। तो रविवार शनिवार रात को ही हम लोग पुलिस प्रशासन जमुआ थाना में जाकर आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद भी अभी तक कुछ रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला है। कल 28 तारीख को हम लोग गिरिडीह DSP साहब को भी एक आवेदन दिए हैं। उसके बाद भी 4th दिन होने जा रहा है, बच्चा को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। मेरा क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? यही गुहार कर रहे हैं कि बच्चा को जल्द से जल्द खोज के सबूत किया जाए, ताकि उसके परिजनों का जो हाल बुरा हो गया है उसमें कुछ राहत मिले। मैं राम कुमार वर्मा, घर परसा गाँव। आज अमित कुमार वर्मा जो आज 26 तारीख और शाम को गायब हुआ, अभी तक नहीं आ पाया है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि कहाँ है, क्या किस अवस्था में है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का, पूरा कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन भी लगी हुई है, फिर भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। आज 4th दिन कंप्लीट हो जाने वाला है। 4 दिन के दरमियान में आज तक कुछ भी सुराग हाथ में नहीं आया है। हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उसे ढूंढने में हमारी मदद करें, जितना जल्द से जल्द हो। जो भी इसमें हो, आशंका हो रही है कि कहीं अपहरण तो नहीं हो गया है, आज तक कोई सुराग नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। हम लोग पूरा प्रयास के साथ लगे हुए हैं। कल दिनांक 28/8। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।